रायलवा नगर पंचायत की नई चेयरमैन हमारे साथ गुरुप्यारी मेहरा जी हैं। तीसरी बार आप निर्विरोध चुनाव लड़ी हैं। एक ऐसी नगर पंचायत शायद देश में कह सकते हैं जहां पर 34 सालों से चुनाव नहीं हुए हैं, अनोखी, और जहां का जो मॉडल है वो पूरे देश में अब एक नज़ीर साबित हो रहा है। पहले हम इतिहास की इसकी बात करेंगे कि ऐसा क्या है कि यहां पर पिछले 34 सालों से चुनाव ही नहीं हुए कि निर्विरोध चुनाव होता है, मतलब प्रत्याशी जो खड़ा होता है निर्विरोध चुन लिया जाता है। हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम है और उसके मॉडल की जो चर्चा है अब पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं देश में हो रही है, क्या कुछ खासियत है? देखिए, इसका सारा समझ से जाता है कि पूरी जो निकाय है, रायलवा के जो निवासी हैं, जो यहाँ की जनता है, उसके अंदर जागरूकता है। यहाँ पे वो सुशिक्षित हैं और वो जो चाहते हैं वो किस तरह का विकास चाहते हैं। उनका विकास की जब वो बात करते हैं तो वो पर्यावरण की विकास की बात करते हैं, एक स्थायी विकास की बात करते हैं। जो स्थायी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो एक सोच है। अगर आपकी सोच में आपको ये पता है कि मुझे विकास को किस दिशा में ले जाना है। देखिए, फंड्स मिलते हैं सब निकायों में और ये होता है कि आपने कितने फंड्स यूटिलाइज करे। क्या फंड यूटिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है? नहीं। आपने फंड्स यूटिलाइज किए तो जो डेवलपमेंट किया वो कितना स्थायी डेवलपमेंट है, वो कितना पर्यावरण को, आज जो सबसे बड़ी है, कितना सस्टेनेबल है, कितना पर्यावरण को सपोर्ट कर रहा है, कितना मानवीय मूल्यों को कर रहा है। एक ऐसी अगर आप करते हैं एक ऐसी नगर पंचायत जिसका नगर पालिका, जिसका नगर अध्यक्ष ही अपने आप में हायर एजुकेटेड है, ONGC से रिटायर है, यहाँ के जो सभासद हैं वो एक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं, बहुत सारे ISPCS सेवाएं दे रहे हैं, यहाँ पर निस्वार्थ सेवाएं दे रहे हैं, एक ऐसी एक नज़ीर साबित हो रही है देश में, क्या लगता है किस तरह से देखती है आप इसे पूरे सिस्टम? देखिए, हमारी जो जीवन की शैली है, हमारा जो जीवन का उद्देश्य है वो केवल धनोपार्जन या सुख सुविधाओं को नहीं है, उसके पीछे हमारी एक आत्मिक शक्ति भी होती है जिसे आप कॉन्शियसनेस कहें, चाहे कॉन्सेंशियसनेस कहें, अंदर की आपकी जो एक अंतः प्रेरणा जो बोलती है। मैं सोचती हूँ हर व्यक्ति अपनी अंतः प्रेरणा को अगर सात्विक ढंग से सुनने की कोशिश करें तो कोई भी मार्ग से भटकेगा नहीं। हमारे जो मुख्यमंत्री बात करते हैं, क्यों उनकी बातें आपको दिलों तक छू जाती हैं? प्रधानमंत्री की बातें क्यों दिलों तक छू जाती हैं? क्योंकि वो अनुभवों पर आधारित हैं, उनकी एक सोच है और उस पर वो काफ़ी मार्ग पर उन्हें मेहनत से आगे चले हैं, जो सबको छू जाती है। आपको तीसरा मौका मिला है, आप पिछले दो बारों से निर्विरोध हैं और आपका जो काम है वो स्वच्छता रैंकिंग 2018 में भी देखने को मिला, जब आपका जो बाढ़ है पहले स्थान पर आया और नगर पंचायत पूरे देश में तीसरे स्थान पर आई, क्या लगता है अब तीसरी बार मौका पूरे देश में नहीं, उत्तर प्रदेश में, माफी चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में आपका पहला तीसरा स्थान आया, तो अब क्या लगता है कि अब तीसरी बार मौका मिला है तो अब किन चीज़ों पर काम होगा? एक ऐसा क्षेत्र रायलवा जहाँ पर पूरे दिन में चार बार AQI जो होता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो मापा जाता है, तो बड़ी आधुनिक जिसे नगर पंचायत बनाने की तरफ आप बढ़ रही हैं, क्या कहेंगे इसको? देखिए, हम इसको मेंटेन रखेंगे, मेंटेन रखने के साथ हमारा उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स को करना है। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो UNO के हैं उसकी बात करते हैं, डेवलपमेंट की जब बात करते हैं, जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हम WHO के मानकों की बात करते हैं और उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। हम खाली कहते नहीं हैं, हम उसे करने करते हैं, और हम खाली करते ही नहीं हैं, हमारी पूरी जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी को पूरा एक रास्ता। आखिरी सवाल यही है, एक आपने एक नया फॉर्मूला दिया है 6σQ जिसे लेकर आप अब आगे काम कर रहे हैं और भविष्य में इसकी संभावना भी बड़ी है, क्या है जो 6σQ जो देशवासी और जाना है और पूरे देश में ये रूल लागू हो, क्या लगता है क्या है ये? देखिए, 6σQ जो है वो रायलवा की जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है। यहाँ की जीवन शैली में देखिए, लोग सुबह खेतों में काम करने जाते हैं, शाम को काम करते हैं और उसके बाद प्रोफेशनल्स की तरह अपने अपने ड्यूटीज को निभाते हैं। यहाँ पर जागरूकता होने के कारण जो रायलवा की जीवन शैली है वो 6σQ पर आधारित है, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ, वाटर क्वालिटी, एयर क्वालिटी, एग्रीकल्चर जो आज की हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, डेयरी, पशुशाला, गौशाला, इसके साथ नारी सशक्तिकरण, ग्रीन एनर्जी और उसके बाद इनोवेटिव वे ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इनोवेशन के साथ
तो ये सिग्मा 6Q ये दयालबाग की जीवन शैली है, जो कि वहाँ के प्रबुद्ध जनों ने अपना एक आदर्श रखा है और जिसको सब अनुपालन करते हैं। ये थे हमारे साथ गुरु प्यारी मेहरा जी, जो दयालबाग नगर पंचायत की तीसरी बार अध्यक्ष पद के तौर पर निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। एक ऐसी नगर पंचायत जो पूरे देश में अब नज़ीर बन रही है। नज़ीर इसलिए क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है, EQ सिस्टम बेहद बेहतरीन है। यहाँ पर AQI है, दिन में 4 बार चेक किया जाता है, लाइटें कहीं खराब तो नहीं है, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर IS PCS निस्वार्थ भाव से सेवा में लगे होते हैं। यहाँ के सभासद बेहद पढ़े लिखे प्रोफेसर लेवल के लोग होते हैं, तो कह सकते हैं कि जिस तरह से अब 2023 का स्वच्छता रैंकिंग आने वाली है, उसके लिए अब काम अभी से इस पंचायत ने शुरू कर दिए हैं। मैं हरिकांत शर्मा, न्यूज़ 18 आगरा।